आपको बताएंगे कि जलेबी तो आपने खाई होगी, अलग अलग दुकानों पे अलग अलग लोगों के यहाँ जलेबी खाई होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पनीर की जलेबी। यह है पनीर की जलेबी कैसे बनाई जाती है। ये पनीर की जलेबी आप घर में बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो, साफ तरीके से बना सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। कैसे करना है, सबसे पहले आपने 1 किलो पनीर ले लेना है। 1 किलो पनीर लेके उसको मेल्ट कर देना है ग्राइंडर में, अच्छे से मेल्ट करके, और उसमें डालना है 1/4 मैदा, मैदा डाल देना है और थोड़ा थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना है और इसको मिला के, और इसमें थोड़ी सी दही डाल देनी है। दही डाल के मिला के अच्छी तरह रख देना है इसको। इसको कम से कम 4-5 घंटे के लिए आप रख सकते हो। उसके बाद इसमें से खमीर सी उठने लगेगी और फिर आपने क्या करना है, इसको एक पॉली बैग में डाल के, उस मेल्ट को पॉली बैग में डाल के और थोड़ा सा नीचे से छेद काट देना है उसको, पॉली बैग का छेद काट देना है ताकि उसके डिजाइन जो है, इसकी शेप है इस तरह की, इसकी शेप जो है बन जाए, इस शेप बन जाएगी। उसके बाद के लिए आपने क्या करना है कि कढ़ाई में रिफाइंड लेके उसको गर्म करके हल्की आंच पे गर्म करना है और इसको डिजाइन बना देना है, जो डिजाइन आप खाना चाहते हो वो डिजाइन आपने बना देना है और रेड ब्राउन जब तक हो जाए उसे निकाल के ना, रेड ब्राउन हो जाए उसको निकाल के, और चाशनी जो आप पहले से बना के रखोगे, चाशनी आपने देख लेनी है कि जब चाशनी तार में हो जाए, ऐसे करके देख लेनी है तार बनने लग जाए, तो उस तार वाली चाशनी में ये आपने डाल देनी है गरम गरम निकाल कर, और कम से कम 10 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट तक जितना भी आप देख लें कि उसमें चाशनी भर गई है, ऊपर नीचे मेल्ट करके देख लें और इसको उठा निकाल के रख सकते हैं। निकाल के रखने के बाद साथ साथ इसको बिल्कुल नहीं खाना, इसको ठंडा करके खाना है, साथ साथ नहीं खाई जाएगी, ठंडा करके आराम से इसको बाद में खा सकते हो। ठीक है, ये देखिए खाने के लिए बहुत अच्छी है ये, सारा रस इसके अंदर भर जाएगा। थैंक यू वेरी मच।